ऐरउदम सुनिए बात हमारी हो तू लग जा लाग में ऐसी और कई बात वो तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में हम सुनिए बात हमारी जो तू इतना ही बलकार लग जा लाग में तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में हम सुनिए हमारी लेकिन तेरे पिताजी बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए और आज जो हमारा देश है इन फिरंगी अंग्रेजों का गुलाम है। या बात कही ना कि तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में छोरे का क्या मासू आगे जाड़ भी चली कर दी। एक बार और बताओ मास्टर जी पहली कड़ी में क्या बताया गुलामी ओ देश हमारा अंग्रेजों की करता रोज गुलामी ओ अगर वीर बालक है तो अड़ जा दुश्मन के शामिल है अगर वीर बालक है तो अड़ जा दुश्मन के शामिल गुलामी ओ जा हिंद शखर में रहू दम लग जा इसे फकर में और बे राग में तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में तुम सुनिए बात हमारी जो तू इतना से बलकारी लग जा लाग में तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में तुम सुन ले बात हमारी महीना था सन 1919 में जलियावाला बाग पड़ता है अमृतसर पंजाब में। वहां पे उधम सिंह जी के पिताजी समेत कई और मोर्चाबंदी बैठे थे देश की आजादी के लिए मोर्चा कर रहे थे भूख हड़ताल कर रहे थे। लेकिन वहां पे क्या कहानी बनी दूसरी कड़ी में क्या बताया ध्यान रहाना स्वाभिमान और गौरव का तने बिल्कुल ख्याल रहाना सन 19 में कत्ल पिता का रंजमलाल रहाना सन 19 में कत्ल पिता का रंजमलाल रहाना हाल सुना दूस थारा था वो डायर रे हत्यारा मारे बाग में सुन ले बात हमारी जो तू इतना से बलकारी लग जा आँख में तेरे पिता
की रागनी अच्छी लग रही तो आप ताली बजा के हौसला बढ़ाइए बच्चे का। बहुत कम उम्र है इसकी, फिर भी मेहनत कर रहा है, खूब कूद कूद कर सुना रहा है, लेकिन भाव भी है। तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में। इस बच्चे उधम सिंह ने उसी दिन तो उधम करना बंद कर दिया। थोड़ा जवान हुआ, पढ़ाई करी, पासपोर्ट वीजा लगवाया लंदन का, और पढ़ाई के लिए लंदन गया, स्कॉलरशिप ली, वजीफा लिया और लंदन की यूनिवर्सिटी में दाखला लिया। केवल एक टारगेट था कि मेरे पिता मार दिए जलियांवाला बाग में। केवल पिता पिता नहीं, न जाने कितनों के पिता मरे जलियांवाला बाग में। एक किताब, मोटी सी किताब ली, ब्लेड थे उसके, अंदर के कागज काटे, एक पिस्टल रिवॉल्वर ली और उसके अंदर किताब के अंदर इतनी जगह काट ली और रिवॉल्वर आ जाए। उस किताब को लेकर के उस दिन का इंतजार करता रहा कि कब जनरल डायर तेरे सामने होगा, और वो दिन आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल डायर का भाषण होना था, और उस दिन वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टिकट लिया और सबसे आगे जाके बैठ गया वो किताब हाथ में। जैसे ही जनरल डायर आया और उसने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, एकदम से उस उधम सिंह की आंखों में ताव चढ़ा और खड़ा होकर किताब खोलकर रिवॉल्वर को निकाल के बोला, ओए जनरल डायर, देख तेरा बाप हिंदुस्तानी तेरे सामने खड़ा है, और धड़ धड़ छाती में चार गोली मारी, उड़े खत्म कर दिया। ये बालक थे जो अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई करी, गुंडागर्दी नहीं करी। लेकिन आज मैंने पहले भी एक शेर सुनाया, इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं, सच पूछो तो ए यारो वतन से अच्छा कोई नहीं। लेकिन कवि ने यहां पलट कर बात कही कि चमन बिक रहा है, गगन बिक रहा है, गरीबों का सुख चैन और अमन बिक रहा है, और बुरा ना माने तो खुले अल्फाजों में कहूं, कुछ गद्दार नेताओं के हाथों ये वतन भी बिक रहा है। परेशान जनता चाहवे थी आजादी भारत की, परेशान जनता चाहवे थी आजादी भारत की, ओ जलिया वाले बाग में जनता डायर ने गारत की रे, सत की डोर थाम हाथा में के रक्षा से उत्पाता में, सत की डोर थाम हाथा में के रक्षा से उत्पाता में, अपियस दात में तेरे पिता मार दिए जलिया वाले आग में, तुम सुन ले बात हमारी। मास्टर जी बोला, नुक बेटा सुन ले, जब मेरी बात पर ना भरोसा नहीं है, धन्यवाद बार बार, जब बात पर भरोसा नहीं है तो आज भी जलियांवाले बाग में आज भी वे खून के निशान है, गोलियों के निशान है, देख ले, पर इब भी भरोसा नहीं है तो अपनी माता जाकर पूछ लिए, अंतिम घड़ी में केवल हमारे अमृतसर जाओ, पंजाब में पड़ता है, बागा बॉर्डर भी वहां, पाकिस्तान का बॉर्डर, मैंने खुद देखा, आज भी दीवारों पे गोलियों के निशान है। एक शहीदी कुआं है, बताते हैं जब भगदड़ मची तो लोग कुएं में कूद कूद के जान बचा रहे, लेकिन कितने कूद गए, नीचे वाले मर गए, ऊपर वाले गोलियों से भून दिए गए, इतने लोग मरे। मास्टर जी कह रहा है, खून के लाल निशान देख ले दीवारों पे जाके, खून के लाल निशान देख ले दीवारों पे।
माते जाके चाहे तू किस्सा पूछ लिए तू अपनी माँ से तू जाके आहे रखा के ऋषि पाल समझिए रवारत ने आजाद करिए गाते ऋषि पाल समझिए भारत ने आजाद करिए अपने राग में तेरे पिता मार दिए जलिया वाले तुम सुन ले बात हमारी जो तू इतना है बलसारी